प्रस्तुत करता विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश, यह दिव्य है, अमूल्य है। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, और पतंजलि केशकांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। लगातार दूसरे दिन गिरे बाजार, सेंसेक्स 125 अंक फिसला, निफ्टी 43 अंक गिरकर 19,751 के स्तर पर हुआ बंद। बैंक निफ्टी तीन दिनों की तेजी के बाद 300 अंक गिरा, 44,300 के करीब बंद। SBI और एक्सिस बैंक निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल, तो HDFC, ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बनाया दबाव। खराब गाइडेंस, इंफोसिस 2.5% टूटकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल, तो नतीजों के बाद HCL टेक करीब 3% चढ़ा। नए लिस्ट हुए शेयरों में जोरदार एक्शन, वीजा से करार के बाद जैगल प्रीपेड 9% उछला, VPRPL, वैलियंट लैब और रत्नवीर प्रिसिजन में 4-9% की तेजी। रेल शेयरों ने पकड़ी रफ्तार, नवरत्न का दर्जा मिलने से अरकॉन और राइट्स में 5-9% का उछाल, RVNL, IRFC और रेलटेल 2-7% भागे। ओलंपिक में शामिल किए गए 5 नए खेल, क्रिकेट को शामिल करने की IOC ने दी मंजूरी, 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट होगा शामिल। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में शुक्रवार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए अब रहे क्या स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल, नंबर है हमारा 0222300-1634 और 0222300-1635। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और एक्स पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए, #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही हमारे साथ है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लें, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार मुनाफा वसूली का शिकार हुए, निफ्टी 43 अंक गिरा, 19,750 के पार बंद हुआ, सेंसेक्स 126 अंक लुढ़क कर 66,280 के पार बंद हुआ, वहीं निफ्टी बैंक 311 अंक फिसल कर 44,288 पर आज हुआ बंद। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज ये दबाव आया कहां से। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा दबाव, और इस दबाव की बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आती दिखी। पहला, अमेरिकी बाजारों में कमजोरी भरा सेशन रहा, क्योंकि वहां पर महंगाई के आंकड़ों के बाद में दबाव बनता दिखा। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों थोड़े बढ़कर आए, और साथ ही साथ कच्चा तेल भी थोड़ा उछलकर $88 के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। हालांकि इसराइल और हमास को लेकर कोई खास बड़े डेवलपमेंट और अपडेट नहीं थे, लेकिन इन सारे ग्लोबल संकेतों के चलते थोड़ा दबाव होना निश्चित था। लेकिन इन दबाव में आग में घी डालने का काम किया हमारे अपने संकेतों ने, जो सबसे पहले IT कंपनियों के जो दो नतीजे आए कल देर शाम, इंफोसिस और HCL टेक, नतीजे दोनों के अच्छे थे लेकिन गाइडेंस दोनों ने कट किया और इससे दबाव बनना निश्चित था। ADR 6.5% नीचे बंद हुआ था इंफोसिस का। दूसरा, FIs ने 2-3 दिनों से थोड़ा हाथ रोका था बिकवाली से, कल के सेशन में फिर से दम लगाकर खरीदारी की। कैश मार्केट में भले ही छोटी, लेकिन वायदा कारोबार में फिर से नंबर्स खराब आते दिखे, और इसके ऊपर आप ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर 1,700-1,850 के आसपास जब ट्रेड कर रहे हों, ऊपर निकलने के लिए आपको जो ट्रिगर चाहिए वो मिसिंग थे। 150 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा था, लेकिन हम उतने ज़्यादा खराब खुले नहीं, लगभग 100 पॉइंट नीचे खुले, उसके बाद थोड़े फिसले भी, लेकिन अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर पहुंचने के बाद बाजार ने सपोर्ट भी लिया, 19,650 के लेवल को तोड़ा नहीं आसानी से, और उसके आसपास सपोर्ट लेकर वापस रिकवरी मिड सेशन की बड़ी शानदार थी, और इतनी बेहतरीन रिकवरी के साथ
19,800 पर एक बार वापस निफ्टी पहुंच भी गया, हरे निशान में आ गया और सेंसेक्स ने भी अपने नुकसान की पूरी भरपाई की। बैंक निफ्टी भी एक बार 44,500 के ऊपर निकला 44,200 के आसपास का लो बनाने के बाद, लेकिन आखिरी एक घंटे में बिकवाली का दबाव फिर से बढ़ा। वजह, इसराइल और हमास के बीच में ढेर सारे स्टेटमेंट आने शुरू हुए जिससे ऐसा लगा कि वीकेंड पर कहीं कोई और मामला गड़बड़ न हो जाए। दूसरा, वीकेंड पर HDFC बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं, तो सोमवार को जब आप लौटेंगे तो बहुत सारे ट्रिगर्स ऐसे होंगे जिनके दम पर कुछ एक्शन हो सकता है, तो ट्रेडर्स ने अपनी पोजिशन हल्का करना ठीक समझा। डाउ फ्यूचर्स भी 125-150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, वो फिसल कर 40-50 पॉइंट नीचे आ गए, तो आखिरी एक घंटे में मुनाफा वसूली और बिकवाली का प्रेशर फिर से बनता हुआ दिखा और फाइनली निफ्टी 19,750 के आसपास बंद हुआ। बहुत बुरी क्लोजिंग नहीं, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जरूर थोड़ी सी 44,300 के आसपास की रही, जो थोड़ी सी दबाव में कह सकते हैं आप। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिन भर एक्शन भरपूर था, आखिरी मिनटों में दिग्गजों के साथ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी आई, तो बेसिकली आज के सेशन को कंप्लीटली ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच, नतीजों के इंतजार के बीच में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग का सेशन देखा जाए। वैसे इससे कहीं ज़्यादा ख़राब सेशन हो सकता था, लेकिन फिर भी हम सीमित नुकसान के साथ ही आज बंद होते दिखे, तो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं क्योंकि सारे ट्रिगर्स एक्सटर्नल हैं ज़्यादातर, इसलिए देखते हैं आगे क्या संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से मिलते हैं। आइए अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों को भी देख लेते हैं। FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 317 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, वहीं DII यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 102 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े आज सामने आए हैं। आइए अब संदीप जैन जी के पास चलते हैं। संदीप जी, कैसा लग रहा है बाजार? कुछ दबाव तो बाजार में नजर आ रहा है, पर कब तक कंटिन्यू रहेगा ये? देखिए, एक बात अभी अनिल जी ने बहुत बढ़िया बोली कि इससे बहुत बुरा हो सकता था मार्केट, बट फिर भी रिकवर होके बंद हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंटरनल संकेत है वो बढ़िया है और एक्सटर्नल इंपोर्टेड है हमारी जो भी ये वॉलेटिलिटी है या जो मंदी आई या जो प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो सर्टेनली देखिए, जो ग्लोबल क्यूज है वो नेगेटिव थे, US में भी एक सेशन वीक था 2-3-4 दिन की एक तेजी के बाद, और फिर अभी हम देख रहा था मैं अभी शाम को गोल्ड सिल्वर क्रूड सब स्ट्रांग हो रहे हैं, सो ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली वर्किंग। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में 19,800 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा, हालांकि 19,800 से सिर्फ 50 पॉइंट ही दूर है मार्केट, बट स्टिल आई फील कि ये एक रेजिस्टेंस है क्योंकि उसके ऊपर 2-3 क्लोजिंग अगर डिसाइसिवली देता है तो मार्केट्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस आएंगे और नीचे देखते हैं एक अच्छा बाउंस बैक। आज भी इंट्राडे में बहुत बढ़िया बाउंस बैक था, सो लेट्स सी, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि HDFC बैंक का एक वीकेंड पे रिजल्ट है, कल रिजल्ट है तो देखते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं। रिलायंस HDFC बैंक अपने आप में वो हिल नहीं रहे तो मार्केट्स में कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि मीनिंगफुल तेजी आ जाए, बट यस, मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया कर रहे हैं, वहां पे जो मजबूत स्टॉक्स है वो अच्छा कर रहे हैं, वहां पे ध्यान देना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप भी हालांकि पहले ग्रीन में थे फिर लाल में बंद हुए, तो ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग आती है, बाकी एग्जुबरेंस के बिना आप अपने हिसाब से स्टॉक्स लीजिए, बट एक चीज है कि बाय ऑन डिप्स भी नहीं है, मैं सेल ऑन राइज भी नहीं बोलूंगा, बट स्टे पुट और थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि रखनी चाहिए ऐसे मार्केट्स में। तो ये रही राय संदीप जी की बाजार पर। संदीप जी, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक तो हम ठीक राय दे ही रहे हैं काफी दिनों से, और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स बढ़िया कर रहे, तो उनमें से एक स्टॉक में लाया हूं, ऑटो एंसिलरी स्टॉक दैट इज GNA XL, जो कि 457 पे बंद हुआ है, 490 का टारगेट, 440 का स्टॉप लॉस। GNA XL में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन जी की तरफ से। आइए अब लॉन्ग टर्म स्टॉक की बात करें और जानना चाहेंगे संदीप जी आपसे, लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? बिल्कुल, लंबी अवधि के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक और मेरा फेवरेट स्टॉक है आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, जिसको मैं मतलब काफी नीचे के लेवल से, उसके बाद तो कॉर्पोरेट एक्शन हो गया, स्प्लिट भी हो गया, 300-325 के लेवल्स जब अच्छा का, मतलब फेस वैल्यू अब चेंज हो गया, 1 रुपया का हो गया, बट इट हैज बिकम अ मल्टी बैगर, और रीजन भी है, देखिए एक बहुत पुरानी कंपनी और ये स्टार्ट हुई थी एक MNC के रूप में और एक सब्सिडियरी UK की सब्सिडियरी के रूप में ये कंपनी शुरू हुई थी, और उसके बाद 1985 में ये कंपनी पूरी 1964 में परमुटित कंपनी ऑफ UK के सब्सिडियरी के हिसाब से स्टार्ट हुई, 1964 के बाद 1985 में पूरी इंडियन कंपनी हो गई, और
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट टू एनर्जी, ये सारे कंप्लीट रेंज ऑफ सर्विसेज है। इवन डोमेस्टिक में भी इनके जीरो बी नाम का एक बहुत फेमस इनका प्रोडक्ट है, वो भी है। तो ओवरऑल और जो सरकार का वाटर के ऊपर जो फोकस है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के वाटर मैनेजमेंट और इसके ऊपर, उसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी ये कंपनी और इसके पीयर्स भी हैं। और मुझे संभव ऐसा लगता है कि जो वाटर मैनेजमेंट इंडस्ट्री में इसकी लीडरशिप है वो गजब की। इंजीनियरिंग सेगमेंट, इनफैक्ट ये लोग प्री इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स और जो इस सेगमेंट के लिए ये लोग बनाते हैं, केमिकल सेगमेंट में भी ये लोग हैं, और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये लोग जैसा कि मैंने कहा कि आरओ और यूवी और ये सब बनाते हैं, अच्छे खासे क्लाइंटी लाइन की। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश और मुझे फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया लगते हैं। ऊपर के लेवल्स 610 से स्टॉक 527 के लेवल्स में करेक्ट किया तो एक मुझे कुशन भी दिखता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया लगता है और अपसाइड भी यहाँ से एक आ सकती है बढ़िया। और 34% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 27% की रिटर्न ऑन इक्विटी और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर रही है 28%। सो फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, एक नेग्लिजिबल डेट, जीरो डेट कंपनी और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे थे। जून क्वार्टर का जून 22 में 27 करोड़ के पैट के सामने, जून 23 में 33 करोड़ का पैट और लास्ट टू क्वार्टर्स हैव बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरली गुड। तो 200 करोड़ का पैट कंपनी का रहा है टीटीएम बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे देखा जा सकता है। एफआईआईज डीआईआईज भी गजब का होल्ड करते हैं, आगे पीछे बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर होल्डर्स इसमें, रिनाउंड शेयर होल्डर्स इन्वेस्टेड रहे हैं। तो आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले और जो टारगेट्स है वो 590-630 का लगाएं लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह संदीप जैन दे रहे हैं आपको। आइए अब दर्शकों से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ मुंबई से अशोक लालवानी जी हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास सेल है, मैंने 1000 शेयर खरीद किए थे 147 पे 2021 मई में। तो मेरा इसके ऊपर मेरा जस्ट आपसे रिकमेंड चाहता हूँ कि इसका फर्दर अभी क्या हो सकता है, कितने टाइम तक होल्ड करना है, मैं होल्ड कर सकता हूँ? 147 की खरीद है सेल पर, नुकसान काफी है और काफी ऊपर लेवल्स की इनकी खरीद भी है सेल पर, अब क्या राय रखें संदीप जी? नहीं देखिए, मुझे लग रहा है स्टॉक तो कोई डिफरेंट है। अशोक जी आप कोई कंफ्यूजन है हमें? 147 का तो सेल मतलब काफी ऊपर की बात कर रहे हैं आप, और 52 एक हाई लो भी देखे तो काफी नीचे का है, और हालांकि कब का लिया हुआ है ये आइडिया ठीक है, अभी रिसेंटली लिए होंगे 150 लास्ट राउंड ऑफ जो तेजी है, किस में लिया है संदीप जी? हाँ 2021 की खरीद है, 2021 राइट वही लगा मुझे। बट एनीवेज देखिए स्टील सेक्टर अभी वापस से पिछले 2-3 दिनों से हुआ है एंड पहले एक तेजी के बाद करेक्ट हुआ और डाउनसाइड बॉटम आउट भी हुआ है, और अब एक बार जो चाइनीज स्टिमुलस पैकेज की वजह से मेटल्स में एक तेजी आई, कल दोपहर के शो में भी मैंने ये डिस्कस किया था, सारे मेटल स्टॉक्स और माइनिंग स्टॉक्स बढ़िया कर रहे थे। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे उस लेवल तक पहुंचने का इमीडिएटली नहीं लगता सेल का, और ये इंडस्ट्री देखिए बड़ी सिक्लिकल होती है। 2021-22 बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा मेटल इंडस्ट्री के लिए पोस्ट कोरोना, और जनरली 7-8 साल के साइकिल्स होते हैं इनमें मेटल्स में, तो पता नहीं अब कब आएगा क्या आएगा, बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगा कि आगे से थोड़ा ध्यान रखें, इन टाइप के स्टॉक्स को आप हायर लेवल्स पे नहीं ले सकते हैं, डाउनसाइड ऑफ द साइकिल में लेना पड़ता है और अपसाइड ऑफ द साइकिल में निकलना पड़ता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रेडर मेंटेलिटी वाला होना पड़ता है और थोड़ा सा रिसर्च और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, और शायद यही एक रीजन है कि मैं जनरली मेटल स्टॉक्स को ज्यादा रेकमेंड नहीं करता, मैं रेकमेंड करता हूँ तो माइनिंग स्टॉक्स को करता हूँ, वहां पे फिर भी स्कोप रहता है। सो आई फील इनको उछाल आए तो 115-120 रुपए के लेवल्स आए तो वहां पे एक बार निकलने की कोशिश की जा सकती है। मेरे हिसाब से एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपनाएं और जो लॉस है वो ठीक है कोई दूसरे स्टॉक के इन्वेस्टमेंट्स में से निकालने की कोशिश करें। तो 115-120 ये लेवल पर आप देखिए आप इस पर एग्जिट कर सकते हैं, आपके लिए सेल पर स्ट्रेटजी दे रहे हैं संदीप जी। यूपी बरेली से प्रदीप जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास मैक्स हेल्थ केयर का शेयर है, 2021 में मैंने बाय किया था 220 रुपए पे, 500 शेयर है मेरे पास अभी, तो आप बताइए क्या उसको होल्ड करें या फिर उसमें सेल कर दूं?
मैक्स हेल्थ केयर का आपका ओरिजिनल क्या व्यू है, कब तक रखना चाह रहे हैं? आपको तो अच्छा मुनाफा है, मुबारक हो आपको, लेकिन अभी 4-5 साल तक इसको होल्ड कर सकता हूँ, 4-5 साल तक अभी कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर लूँ उसको। ओके, लंबी अवधि में रखना हो मैक्स हेल्थ केयर, संदीप जी फिलहाल मुनाफा इन्होंने तो डबल कमा लिया है, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए मैक्स हेल्थ केयर वैसे मुझे स्टॉक ठीक ही लगता है, बट हालांकि मैंने बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं किया इस स्टॉक को, और ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट होके कंसोलिडेट भी हुआ है। फंडामेंटल्स देखिए वैसे ही ये सारे स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स वाले हो या डायग्नोस्टिक्स वाले हो, और थोड़े फ्लेवर में है, और वैल्यूएशंस के लिहाज से मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत सस्ता है, बट ओवरऑल द मैनेजमेंट क्वालिटी इज गुड, द सेक्टर इज गुड, और डेट्स को इन्होंने रिड्यूस किया, और काफी सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स बढ़िया हुए हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मैं देख रहा था तो वो बढ़िया ही थे, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स और पिछले 4-5 क्वार्टर्स बहुत बढ़े गए, टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में बैठे हैं, तो ये सारी चीजें हैं, बट ओवरऑल मैं फ्रेश खरीदारी की राय नहीं दूंगा, दूसरे जो निवेशक या हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, बट इनके पास चूंकि है तो ये कंटिन्यू करें होल्ड करना, मुझे ऐसा लगता है कि 650-650 के टारगेट्स के लिए होल्ड। मैक्स हेल्थ केयर होल्ड करने की सलाह संदीप जी की तरफ से आपके लिए। दिल्ली से विजय अग्रवाल से बात करते हैं, नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार संदीप जी और सबको नमस्कार, मेरे पास सुजलोन है, 9.5 की एवरेज से 11,000 शेयर है, तो इसकी लॉन्ग टर्म क्या टारगेट होगा? और दूसरा है IDFC फर्स्ट बैंक, 1,000 शेयर है, 38 की एवरेज से है, इसका भी लॉन्ग टर्म। और तीसरा है साउथ इंडियन बैंक, 3,000 शेयर है, 13 रुपए में एवरेज की, इसका भी लॉन्ग टर्म। काफी सीजन्ड इन्वेस्टर हैं आप विजय जी, तो आपने तो बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पर बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है हमें। सुजलोन, IDFC फर्स्ट बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बताइए संदीप जी क्या करें तीनों स्टॉक्स में? बिल्कुल, नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नाम लेके एड्रेस किया, आप रेगुलर फॉलो करते हैं ऐसा मेरा मानना है। देखिए सुजलोन समहाउ मुझे एक नीचे के लेवल से देखिए बहुत बढ़िया मूव दिया, और मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए, कहीं ना कहीं चीजें चेंज हो रही है, टर्न अराउंड वाली पूरी स्टोरी लग रही है, कुछ क्वार्टर से अच्छे प्रॉफिट्स में आ गई है, तो सुजलोन को होल्ड किया जा सकता है। इवन IDFC फर्स्ट भी, मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बढ़िया लग रहे हैं, तो IDFC फर्स्ट ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, और अगर हम देखें तो इनके प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे भी बहुत महंगी नहीं है बैंक, और मैनेजमेंट की क्वालिटी तो देखिए बढ़िया ही है, तो ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है। साउथ इंडियन बैंक भी देखिए ये ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बट इनको आप पब्लिक सेक्टर बैंक की वैल्यूएशन मिलती है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से ये भी सस्ता है, कोई बहुत महंगा नहीं है, इनफैक्ट बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है, तो चले बहुत है नीचे से, बट फिर भी मेरे को लगता है कि होल्ड करना चाहिए, सो तीनों स्टॉक्स मेरे हिसाब से होल्ड है। होल्ड सुजलोन, IDFC फर्स्ट बैंक, साउथ इंडियन बैंक में करने की सलाह आपके लिए संदीप जी दे रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आगे मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा से हम जानेंगे सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स, बने रहिए हमारे साथ। और आइए अब जानते हैं क्या रहे सोमवार के बाजार के लिए आपकी स्ट्रेटजी, और बाजार पर अहम संकेत दे रहे हैं अनिल जी। सोमवार को जब हम ट्रेड्स पर लौटेंगे तो सबसे बड़ी आपके लिए ट्रिगर जो होगी वो इसराइल और हमास के बीच में आने वाली खबरों को लेकर होगी, क्योंकि वीकेंड पर डर ऐसा बना हुआ कि कुछ ना कुछ बड़ा और ख़राब हो सकता है, इसके चक्कर में भारतीय बाज़ार आखिरी घंटे में फिसले भी, लेकिन अगर किसी तरह की कोई ख़राब खबर ना आए तो फिर भारतीय बाज़ार और ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा अच्छा उछाल दिखा सकते हैं, अगर ख़राब खबरें आई तो फिर देखना होगा किस तरह की और कितनी होती है। इस बीच अमेरिकी बाज़ारों पर भी नज़र रहेगी, हमारे बाज़ारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 40-50 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो देखते हैं ग्लोबल संकेत क्या कुछ होते हैं। कच्चा तेल, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हुई, लेकिन हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आज के सेशन में FIIs ने कितनी दमदार बिकवाली की है वो देखना होगा, दूसरा वीकेंड पर HDFC बैंक के नतीजे आएंगे, पहला बड़ा बैंक जो नतीजे पेश करेगा, वैसे भी सेक्टर लीडर है और बैंक निफ्टी का इंडेक्स में बड़ा वेटेज है, सेंटिमेंट के लिहाज से भी बैंकिंग शेयर और बैंक निफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बैंकिंग शेयरों का पूरा टोन HDFC बैंक सेट करेगा। लेट्स सी, एक्सपेक्टेशन कम है, अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो कहना ही क्या, और ख़राब आए तो फिर बाजार के लिए ऊपर चढ़ पाना मुश्किल होगा। HDFC बैंक
FIs के नंबर्स, ये दो हमारे अपने ट्रिगर्स होंगे। जो सपोर्ट अब आपको निफ्टी पर मिलेगा वो 19,550 19,650 ये 100 पॉइंट की रेंज है, मजबूत सपोर्ट 19,800 वो रेंज है जहाँ जमकर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एक बार 19,900 के पार निकल कर टिकेंगे, 850 के ऊपर निकल कर बंद होंगे तो फिर फ्रेश तेजी बनेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,125 ये तुरंत आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा सोमवार को, और ऊपरी स्तरों पर 44,500 से लेकर 44,600 की रेंज है जहाँ पर आपको रुकावट आते हुए दिख सकती है। लेकिन मेक और ब्रेक, जाहिर सी बात है, बैंक निफ्टी के लिए HDFC बैंक के नतीजे ही रहेंगे जिस पर बाजार सोमवार सुबह अपना देगा रिएक्शन। और सोमवार के बाजार पर क्या मौके आप ले सकते हैं? संदीप जी जानना चाहेंगे आपके इंट्राडे पिक। देखिए, इंट्राडे पिक के तौर पे मैं लाया हूं, जैसा कि मैंने ऑटो इंसिलरी की बात कर रहा था, मारुति सुजुकी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है और ये स्टॉक देखिए 10,749 पे बंद हुआ है, 10,970 11,050 का टारगेट लगाएं और 10,630 पे स्टॉप लॉस लगाएं। सो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे मारुति सुजुकी, और डिस्क्लेमर देते हैं कि ये स्टॉक्स हमने आगे पीछे रेकमेंड किए हैं हमारे क्लाइंट्स को भी, तो जो भी ले स्टॉक्स वो अपनी भी रिसर्च करें, एंड इट इज सेफर टू अज्यूम दैट हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स और एसोसिएट्स के पास ये स्टॉक हो सकते हैं। कुल एक बार मारुति सुजुकी का स्टॉप लॉस कर देंगे रिपीट संदीप जी? 10,630 का। ओके, मारुति सुजुकी में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आई है संदीप जी की तरफ से। आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रेटजी के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा। शिवांगी बहुत स्वागत करते हैं, कहाँ मौके आपको नजर आ रहे हैं सोमवार को? जी बिल्कुल, नमस्कार स्वाति जी। हम देखते हैं कि आज के बाजार में यू नो बुल्स का एक काफी तगड़ा एक्शन रहा है, उसमें से NMDC एक ऐसा काउंटर है जिसमें हमने देखा है कि फॉलो अप बाइंग काफी अच्छी तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पे 160 में खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन इसको 4 के आसपास खरीदे, 2 रुपए का स्टॉप लॉस और 8 रुपए के टारगेट के साथ। दूसरा कॉल मेरा रहेगा टेलीकॉम यू नो स्पेस में से, भारती एयरटेल जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हमने देखा है कि पूरे इस वीक में अभी तक काफी लॉन्ग एडिशन हुए हैं यहाँ पे, जो कि करेगा इसके एक नेक्स्ट अपमूव के लिए। तो यहाँ पे 960 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, इसको करीबन 7 के आसपास का खरीदने की कोशिश करें, 4 के स्टॉप लॉस के साथ और 13 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो शिवांगी सादा की तरफ से दो स्टॉक के स्ट्रैटेजीज, स्टॉक पर दो स्ट्रैटेजीज सोमवार के बाजार के लिए। धन्यवाद करेंगे शिवांगी बातचीत के लिए, और संदीप जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करते हैं। बाजार अगले हफ्ते के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।